तो जो पूरे झारखंड के लिए बड़ी चुनौती थी बूढ़ा पहाड़, उस फतह के बाद हम लोग मिल रहे हैं आपने कुचई में और पारसनाथ में, ये तीनों जगहों में पुलिस ने अपनी एक पैठ बना ली है। तो इसके बाद क्या सारंडा की जो आगे की चुनौती है उसको कैसे निपटेंगे, वो थोड़ी गंभीर चुनौती है। सभी को जोहार। जैसा कि आपने उल्लेख किया, झारखंड पुलिस, ये पहले इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं इसकी कुछ बैकग्राउंड रखना चाहूँगा। हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के नेतृत्व में जब ये खासकर जो उग्रवाद के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू हुई, तो सभी पदाधिकारी एडीजी ऑफिसर खुद यहाँ पे उपस्थित है। एक बहुआयामी योजना, एक कार्य योजना इसमें बनाई गई। इसमें हमारी कार्य योजना ये थी कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ हैंडलिंग जो था नक्सल क्षेत्रों में, कि केवल ऑपरेशंस पे हमारा भर ज़्यादा हमारा जोर रहता था, तो इसको हम लोगों ने कई हद तक चेंज किया। और चेंज इसमें हमने ये किया कि एक तरफ ऑपरेशंस एक जो कोर पार्ट है एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए, उसके साथ साथ हमने इंटेलिजेंस पे काफ़ी ज़्यादा काम किया। उसके लिए एसआईबी का जो गठन हुआ था उसको हम लोगों ने स्ट्रेंथन किया। एसआईबी में काबिल अफसरों की प्रतिनियुक्ति की गई, पदस्थापन किया गया। उसके साथ साथ जो अन्य आयाम है, जैसे जो सरेंडर पॉलिसी है झारखंड सरकार की, उस पर हम लोगों ने काफ़ी वर्क किया। साईओप्स जिसको हम बोलते हैं, उस पर हम लोगों ने काफ़ी काम किया। और साथ साथ जो नक्सलिज्म को जो एक तरीके से उसको जो बढ़ावा देते हैं कई सारे हैं, उनके जो फाइनेंसेस होते हैं, उनके जो सपोर्टर्स होते हैं, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, इन सब पे हम लोगों ने एक साथ में काम शुरू किया। और इसका ही ये परिणाम है धीरे धीरे, जो अभी 3 साल में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि इनका जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे, जो इनका एक तरीके से कहा जाए कि जो इनके स्ट्रॉन्ग एरियाज थे, जो जिसको हम अपने टर्म्स में कोर एरियाज बोलते हैं, वो क्षेत्र से ये सिकुड़ते चले गए। पहले हम लोगों ने टारगेट किया जहाँ पे हमें ज़्यादा इनिशियल सफलता की आशा थी, चाहे वो लातेहार, लोहरदगा और गुमला का जो क्षेत्र था। आपको याद होगा एक ऑपरेशन डबल बुल चलाया गया था, जिससे हमने उस क्षेत्र को, वहाँ पे एक बहुत बड़ा दस्ता था और एक तरीके से वो दस्ता जो है पूरे क्षेत्र में बूढ़ा पहाड़ को जो फाइनेंस या जो उनके जो रिसोर्सेस है उसका एक जो स्रोत बना हुआ था, उस पे हमने सबसे पहले वार किया, उसको चोक किया। वहाँ पे जो सबसे बड़ा दस्ता था उसको न्यूट्रलाइज किया। कई सारे नक्सली पकड़े गए, एक नक्सली मारा गया, कई सारे उनके जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे वो रिकवर हुए। उसके बाद हम लोगों ने टारगेट किया बूढ़ा पहाड़ को, क्योंकि बूढ़ा पहाड़ का जो स्रोत था वो कट हो गया था। तो बूढ़ा पहाड़ को मुक्त करने में जो ऑपरेशन ऑक्टोपस लॉन्च किया गया था, उससे हम बूढ़ा पहाड़ को लगभग नक्सल प्रभाव से मुक्त कराने में सफल रहे। यही कार्रवाई जो है, जो ट्राई जंक्शन क्षेत्र है, जो खूंटी, सरायकेला और चाईबासा का एरिया था, जो ऊंचाई वाला क्षेत्र था, उसमें ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म चलाया गया, जिससे कि उस क्षेत्र में जो सबसे जो एक मिलिट्री स्ट्रेंथ उनकी, जो काफ़ी मारक दस्ता, जो अनल जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है उसके नेतृत्व में जो वहाँ पे एक टीम की जमावड़ा करीब 5-6 वर्षों से जमा हुआ था, उसको हमने वहाँ से भगाया और उस क्षेत्र को मुक्त किया। इसी तरह अन्य हैं, जैसे झुमरा पहाड़ हो गया या पारसनाथ हो गया, यही कार्रवाई अन्य क्षेत्रों में करते हुए आज की स्थिति ये है कि इनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो काफ़ी सिकुड़ गया है। छोटे छोटे कुछ पॉकेट्स बचे हुए हैं जिनमें इनका भी प्रभाव क्षेत्र बचा हुआ है। और जैसा आपने कहा, ये जो कोल्हान का क्षेत्र है, खासकर चाईबासा का क्षेत्र, जिसमें कि गोयल के राज, सोनवा, टोंटो, ये सब जो एरियाज आते हैं, इन क्षेत्रों में अभी जो बचे हुए माओवादी है वो वहाँ पे जमे हुए हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा चैलेंज है झारखंड पुलिस के लिए और जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल, खासकर CRPF है, और हमारी जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस है, चाहे झारखंड जगवार हो या कोबरा हो, उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। लगातार आप देख रहे होंगे कि कुछ घटनाएं भी घटित हो रही है। विगत दिनों में आईडी ब्लास्ट हुए हैं जिसमें हमारे जवान घायल हुए हैं, लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि
ये आखिरी एक तरीके से इसको हम लोग आर पार की लड़ाई मान रहे हैं और नक्सलियों के लिए भी ये सर्वाइवल की लड़ाई हो गई है। अगर इस क्षेत्र से हम उन्हें उखाड़ देंगे तो झारखंड में फिर कहीं भी बसने के लिए उन्हें कोई जगह नहीं बचती है। तो ये एक निर्णायक लड़ाई प्रारंभ की गई है और जिसमें हमारे सभी जो इसमें सभी जो एजेंसीज इन्वॉल्व है, चाहे जो झारखंड पुलिस है, झारखंड जगवार हो, CRPF हो, कोबरा हो, इसके अलावा जो हमारी अन्य इंट एजेंसीज है, वो पूरी ताकत से इस योजना को अंजाम देने के लिए लगी हुई है। बड़ा चैलेंज है निश्चित रूप से, लेकिन जवानों का इतनी घटनाएं होने के पश्चात भी हमारे जवानों का मनोबल काफ़ी ऊंचा है। अभी दो दिन पहले ही IGCRPF और मैं उस क्षेत्र में गए थे, जवानों से, हमारे पदाधिकारियों से भी इस संबंध में बात की। सभी का मनोबल ऊंचा है और हमारा ये पूरा प्रयास है और एक विशेष कार्य योजना के तहत हम लोग काम कर रहे हैं जिससे कि जल्द से जल्द हम लोग उस क्षेत्र को भी नक्सल प्रभाव से मुक्त करने में कामयाब होंगे। इसके लिए कई सारे कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं जो कोर एरियाज है, जिसमें आज तक पुलिस तो छोड़िए और कोई अन्य एजेंसीज भी कभी आज तक नहीं पहुंची थी, उन क्षेत्रों में आज कैंप्स की स्थापित किए गए हैं कैंप्स, और वहाँ के गाँव वालों के साथ संवाद स्थापित किया जा रहा है, गाँव वालों को अपने साथ जोड़ा जा रहा है। जो गाँव वाले नक्सलियों के डर से पुलिस के पास या प्रशासन के पास आने से कतरा रहे थे, वो आज खुद आगे चलकर हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है और मेरे ख्याल से इसी कार्य योजना में अगर हम लोग इसी तरह से चलते रहेंगे तो जल्द से जल्द उस क्षेत्र को भी नक्सल प्रभाव से हम लोग मुक्त कराने में सफल रहेंगे। इन्होंने अमोल जी ने जो पॉइंट्स बताए ना, उसमें एक दो पॉइंट मैं जोड़ना चाहूँगा। झारखंड में विगत दो साल में विशेष करके आप देख रहे हैं कि नक्सलिज्म पे जो अंकुश पाया गया है, इनको हम पस्त कर पाए हैं। मल्टीप्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के तहत हमने इनके फंड फ्लोस को चोक किया है। सबसे महत्वपूर्ण है कि इन्हें जो लेवी की राशि मिलती थी उस पर प्रभावी नियंत्रण हमने पाया है। इसके लिए हमने NIA की मदद ली, हमने ED की मदद ली। इन्हें जो लोग पैसा देते थे, चाहे कोई स्वेच्छा से देता होगा, कोई जोर जबरदस्ती से देता होगा, आज इनके पास फंड्स नहीं है। दूसरा, इन्हें आर्म्स, एम्युनिशन और एक्सप्लोजिव का जो सप्लाई होता था, इस पर आप देखते होंगे कि हमारे ATS ने जो कार्रवाई की झारखंड के, एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क को हमने उजागर किया जो विभिन्न फोर्सेस से भी पिल्फरेज होता था और इनको एम्युनिशन, एक्सप्लोजिव्स का सप्लाई होता था। इसे उजागर करते हुए उन फोर्सेस के कार्मिकों को भी हमने जेल भेजा है। आज स्थिति यह है कि नक्सलियों के पास एक्सप्लोजिव नहीं है, उनके पास गोली नहीं है। जो दो ऑपरेशन का इन्होंने जिक्र किया, ऑपरेशन डबल वूल, ऑपरेशन ऑक्टोपस, इसमें मिला के 50 से ज़्यादा पुलिस से लूटे हुए हथियार और एम्युनिशन तो हज़ारों की तादाद में, एक्सप्लोजिव 100 KG से भी ज़्यादा हमने इस इलाके से बरामद किया है। तो आज उनके पास लड़ने के लिए हथियार भी नहीं है, गोला बारूद भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। तो इस पर हमने जब प्रभावी नियंत्रण पाया और एडवांस कैंप्स जो हमने स्थापित किए हैं, अब वहाँ के ग्रामीण, परसों जब हमारे IG Ops और IG CRP उस इलाके में गए थे, जिस इलाके में हमारे जवान के साथ हो भाषा बोलने में दिक्कत है, लेकिन वहाँ जैन सलाब बच्चे उमड़ गए। कल भी बच्चे वहाँ के कैंप में आए, हाथीपुर के कैंप में, और आके अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पब्लिक हमें इन्फॉर्मेशन दे रही। डबल बुल ऑपरेशन का सबसे बड़ा सक्सेस हम कहेंगे या ऑक्टोपस का सक्सेस कहेंगे कि वहाँ के पुलिस के बारे में पब्लिक के मन में इतना विश्वास हो गया है कि भागे हुए नक्सली किस गाँव में आके ठहरे हुए, इसकी सूचना हमें पब्लिक दे रही है और वो नक्सली पकड़े जा रहे हैं। जो 10 नक्सली डबल बुल के पश्चात पकड़े गए, जिन गांवों में आए वे पकड़े जा रहे हैं। इसके साथ साथ सरेंडर नीति का जो उन्होंने उल्लेख किया, इसमें एक बहुत अच्छा प्रावधान राज्य सरकार ने किया है ओपन जेल भेजने का, और इसके तहत महाराज प्रामाणिक, सुरेश मुंडा, बिमल, इस प्रकार के टॉप नक्सल आज आए, वे आत्मसमर्पण के पश्चात ओपन जेल में हैं। तो ओपन जेल में रहने का भी एक उनको ये प्रलोभन मिल गया है कि हमारी ज़िंदगी नॉर्मल जेल के बजाय यहाँ पे अच्छी रह सकती है।
और इसके साथ साथ यूएपीए के तहत जो केसेस दर्ज हो रहे हैं उसका प्रोसिक्यूशन भी हमने एक सेल बना के सीआईडी में हमारा प्रोसिक्यूशन हो रहा है, ताकि कैसे उनका कन्विक्शन हो जाए, जो पकड़े हुए नक्सली है वे रिहा ना हो जाए, वो जमानत पर ना रिहा हो, इसके लिए हमने स्पेशल टीम का हमारे ऑप्स में और एसआईबी में गठन किया है, जो इनके जमानत के केसेस को हम परस्यू कर रहे हैं। और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन पे एक्शन जो है इसको देश स्तर पर अभी जो डीजीआईजी की कॉन्फ्रेंस हुई थी झारखंड के एक्शन की सराहना की गई है कि फ्रंटल बाह्य संगठन जो है उनके खिलाफ झारखंड में जितनी अच्छी एक्शन हुई है वह कहीं पर भी नहीं हुई है। और ये बाहर रह के जो जिस प्रकार से चंदा इकट्ठा करके देना है, उनके नक्सल आइडियोलॉजी के प्रति लोगों को मोबिलाइज करना है, इस प्रकार से काम फेसबुक ट्विटर सोशल मीडिया के माध्यम से करते थे, इनके आज पकड़े जाने से और जेल में जाने से यह भी बंद हो गया। उनको वाइट कॉलर सपोर्ट जो मिलता था या अर्बन नक्सल की जिसको हम संज्ञा दे सकते हैं उस प्रकार से जो सपोर्ट मिलता था वह भी झारखंड में बहुत अच्छे ढंग से एक्शन लिया गया है। तो यह भी हमारे नक्सल के खिलाफ जो सफलता हमें मिली है विगत 2 साल में उसके पीछे का रहस्य है, ये हम कह सकते हैं। पिछले 2 सालों में सर कई बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जो हम लोग को जानकारी मिल रही है कि अभी भी कुछ टॉप आप लोगों के संपर्क में है, एक तरह से सरेंडर उन्होंने कर दिया है, बस विधिवत उसकी घोषणा नहीं हुई है। देखिए, जहाँ तक पहला बात आपने कहा, निश्चित रूप से मैंने डिटेल्स शेयर भी किए कि कई सारे टॉप नक्सलियों ने विगत वर्षों में, खासकर 3 वर्षों में सरेंडर किया है, जिसमें काफ़ी हाई रैंकिंग नक्सली भी रहे हैं, सैक मेंबर से लेके जोनल मेंबर, विशेष रूप से विमल हो या महाराज प्रमाणिक हो, सुरेश मुंडा हो, अभी अमन गंजू ने सरेंडर किया, जो एक तरीके से कहा जाए तो अपने अपने क्षेत्रों में नक्सल संगठन के बैकबोन्स हुआ करते थे, और उनके आने से हमें काफ़ी इंटरनल उनकी जानकारियां मिली। और नक्सली सरेंडर करने से निश्चित रूप से जो लिवरेज हमको मिलता है, क्योंकि उसने आत्मसमर्पण किया है तो वो कॉपरेट करता है, तो कई सारी रिकवरीज, ह्यूज रिकवरीज, चाहे महाराज प्रमाणिक हो या अमन हो, सभी ने ह्यूज रिकवरीज भी कराई, जिससे कि हथियार हो या बाकी उनके जो स्रोत है, आईडीज हो, उनकी बड़ी मात्रा में रिकवरीज हुई। और नक्सल संगठन की जो फायर पावर थी, उनकी जो ताकत थी, आर्म्स, पैसा, आईडीज, इन पे हम लोग काफ़ी हद तक जो है सफलता प्राप्त कर पाए। इसमें मैं झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसके संबंध में, क्योंकि आप आत्मसमर्पण की बात कर रहे हैं, तो मैं दो शब्द इसमें बताना चाहूँगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइंड क्राफ्टेड जो है सरेंडर पॉलिसी है पूरे देश में। और इसमें जब भी कोई नक्सली मुख्यधारा में आता है, सरेंडर करता है, तो उसके ओवरऑल रिहैबिलिटेशन के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक है, चाहे उसके अपने लिए या उसके परिवार के लिए, या इवन उसको जो पॉसिबल थ्रेट्स होते हैं फ्यूचर में, मान लीजिए, उसको भी कवर करने के सारे एस्पेक्ट्स इसमें शामिल है, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन कहिए या शादी ब्याह इन सब चीज़ों के लिए कहिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कहिए, उसके अपने रिहैबिलिटेशन के लिए, उसके लिए ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, उससे वो अपना स्वरोजगार कुछ शुरू करे, ज़मीन उपलब्ध कराई जाती है, आपको कोई रोज़गार शुरू करना है तो उसके लिए आपको जो पैसे की ज़रूरत है वो दी जाती है, लीगल एड का प्रावधान है, जो कि उन्हें लीगल जो भी उनके केसेस लड़ने के लिए जो आवश्यकता है उन्हें वो पूरी मदद मुहैया कराई जाती है। इसके साथ साथ ओपन जेल, जैसे सर ने भी इसके बारे में जिक्र किया कि एक बहुत बड़ी, एक अच्छी, एक शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा की गई है, जिसमें कि ओपन जेल में ये नक्सली जो है आफ्टर द इनिशियल स्क्रीनिंग और रिकमेंडेशन बाय द डिस्ट्रिक्ट, ये उन ओपन जेल्स में अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। तो ये, जैसे कि कहा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जो पॉलिसी है उसका हमें बहुत लाभ मिल रहा है। और शुरुआत में मैंने जैसे कहा कि हम लोगों ने पिछले 2 साल में साई ऑप्स पे बहुत ध्यान दिया है, हम लोग जितने भी नक्सली हैं उनके घरों तक पहुंच रहे हैं,
उनके परिवार वालों से, उनके मित्रों से, उनके परिजनों से, उनके गांव वालों से हम लोग जाके मिल रहे हैं, अपील कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। एक तो एक तरफ उनको हम लोग ये समझा रहे हैं कि भाई देखिए ये पॉलिसी है, ये सारे लाभ आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ गांव वालों में ये भी हम लोग भावना दे रहे हैं कि उस वो नक्सली आपके गांव से है जिसके चलते आपका गांव बदनाम हो रहा है, तो अब आप हमारी मदद करिए और किसी तरीके से आप संपर्क करिए, उसको मुख्यधारा में लाइए, हम लोग स्वागत करेंगे। और जितना आज तक किया है उसके बारे में भी हम लोग काफ़ी विस्तार से उन लोगों को बताते हैं। गांव-गांव जाके हम लोगों ने पोस्टर्स चिपकाए हैं, सरेंडर पॉलिसी, क्योंकि झारखंड में कई सारी भाषाएं बोली जाती है तो हो सकता है हिंदी या अंग्रेजी सभी को नहीं समझ में आए, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस में भी हमने पोस्टर्स पैम्पलेट्स बना के गांव-गांव में घर घर में दिए हैं। इसका ये जो है प्रभाव है जो कि सरेंडर पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिल रही है। और जैसा कि कहा जो कि आपका जो दूसरा सवाल था कि कई सारे नक्सली ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं और संगठन में भगदड़ की स्थिति है, जैसा कि कहा कि मैंने भी कहा कि संगठन पे जो चौथरफा जो कार्रवाई हुई है, नक्सलियों को अब ये पता है कि वो मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे, तो निश्चित रूप से वो लोग भी अपना वे आउट खोजता है। अगर उसमें हम लोग आपके माध्यम से हमेशा ये अपील करते आए हैं सभी फोरम्स में कि जो भी नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में आना चाहता है, समाज से जुड़ना चाहता है, हम लोग उसका खुले दिल से स्वागत करेंगे और जो भी उसको देय लाभ है वो दिए जाएंगे। इस अपील का प्रभाव हो रहा है तो हमें ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो कार्रवाई चल रही है जिन क्षेत्रों में और जो बचे हुए क्षेत्र जिनमें उनकी स्थिति बहुत विकट है, वहाँ पर निश्चित रूप से ज़्यादा नक्सली जो है आने वाले दिनों में सरेंडर करेंगे। इस पॉलिसी के तहत हम काम भी कर रहे हैं और हमको लगता है इसमें हमें काफ़ी सफलता भी मिलेगी आने वाले दिनों में। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।